आपका एक्सिस बैंक पे अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, आपका अकाउंट केवाईसी लग गया। तो सबका अकाउंट केवाईसी लगता है, फिर रिकेवाईसी करना पड़ता है बैंक पे जाके। आज आप लोगों को यही बताऊंगा इस वीडियो पे, रिकेवाईसी ऑनलाइन घर बैठे कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो आप सभी से निवेदन है और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार ये वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक्सिस बैंक का इस वेबसाइट पे आप लोगों को आना होगा। आने के बाद में आप लोगों को कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो जान लेना होगा। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, ओके। तो इंडिविजुअल कस्टमर यानी कि इंडिया का, ठीक है। तो रिकेवाईसी आप कैसे कर पाओगे? SMS के ज़रिए आप केवाईसी कर सकते हो और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू केवाईसी कर सकते हो रिकेवाईसी, ठीक है। और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप रिकेवाईसी कर सकते हो, ठीक है। और ATM के थ्रू भी कर सकते हो। तो सबसे आसान है इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू केवाईसी करना, ठीक है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए रिकेवाईसी करने के लिए? तो वही तीनों डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या तो आधार कार्ड, ठीक है। तो आप चाहो तो ये फॉर्म को डाउनलोड करके भी रिकेवाईसी कर सकते हो। आपको इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, तो एक फॉर्म होगा, फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। तो ये देखिए और फॉर्म, ठीक है। कस्टमर अपडेट इन फॉर्म फॉर केवाईसी रजिस्टर्ड इन इंडियन, यानी कि इंडिया का कस्टमर, ओके। तो ये फॉर्म को आपको फिलअप करना है और बैंक पे जाके सबमिट कर देना है। आपका रिकेवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, आपका अकाउंट केवाईसी लग गया तो, ठीक है। तो अभी जो आप लोगों को तरीका बताने वाला हूँ, सबसे आसान तरीका मोबाइल बैंकिंग के थ्रू या तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हो। तो मैं मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आपको दिखाऊँगा, ठीक है। तो आप लोगों को एक्सिस बैंक का एप्स को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। मेरे पास पहले से डाउनलोड है, तो सिर्फ लॉगिन करना है, ओके। ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ऑनलाइन घर बैठे रिकेवाईसी कर सकते हो एक्सिस बैंक पे आपका सेविंग अकाउंट है तो, ओके। तो चलिए एप्स को ओपन कर लेते हैं। तो एक्सिस बैंक का एप्स को ओपन करना है और लॉगिन कर लेना है, ठीक है। अकाउंट को लॉगिन करने के बाद में 3 डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में सर्विस एंड सपोर्ट पे आप लोगों को क्लिक करना है। फिर आप देख सकते हो नीचे आना है इंस्टा सर्विस, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, ओके। थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा यानी कि लोडिंग लेगा। तो ये देखिए, तो अभी आप लोगों को क्लिक करना है कॉन्फर्म केवाईसी डिटेल्स, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो फिर ओके पे क्लिक करना है। तो पहले आपका नाम दिखाएगा, फिर आपका एड्रेस दिखाई देगा, एक्सिस बैंक पे जो डिटेल्स आपने दिया था वही डिटेल्स दिखाएगा, ओके। फिर आप लोगों को टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और करेक्ट पे क्लिक करना है। तो आप लोग देख सकते हो रिक्वेस्ट सबमिट हो गया, ये रेफरेंस नंबर मिल गया, ठीक है। तो SMS भी आ गया, आप लोग देख सकते हो। एक दिन चाहिए, एक दिन का बाद रिकेवाईसी हो जाएगा। तो सबसे आसान तरीका यही था, आप लोगों को बता दिया। आप लोग रिकेवाईसी कर सकते हो एक्सिस बैंक पे आपका सेविंग अकाउंट है तो, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट खींच लेता हूँ। तो यही तरीका था रिकेवाईसी कंप्लीट करने के लिए। तो जो था आप लोग को दिखा दिया, आप लोग समझदार हो, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो बिना बैंक जाइए आप रिकेवाईसी कंप्लीट कर सकते हो, और भी मोबाइल से ऑनलाइन घर बैठे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू। तो ओके, जय हिंद।